हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.15। तो एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है। अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज Q। तो यहाँ पे देखिए, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल दिया है, ठीक है। तो ये हमने बनाया है वो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और इस वजह से इसका एक इनर रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है R1, और यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है R2। तो R1 जो है इनर रेडियस है, एंड आउटर रेडियस इसका R2 हो गया। अब इसको हमने चार्ज देखे रखा है, तो ये देखिए, ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, और ये जो चार्ज की वैल्यू है वो है कैपिटल Q, ये दिया हुआ है। ये अभी हमारे पास जो है ये स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल इस तरीके का है। अब पहला पार्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। अगर एक चार्ज क्यू, अभी इसको मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ये सेंटर पे एक चार्ज रखा है, ये कौन सा चार्ज है, ये क्यू रखा हुआ है इस सेंटर पे, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। यदि ये क्यू चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर पे, तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इस क्यू की वजह से इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू है, और ये सेंटर पे अगर रखा है, इसके जो है कैविटी पे है, यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये एक माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे टोटली यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए तो इनर सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो क्या निकालना था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। और इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, अभी माइनस क्यू चार्ज है, और इनर सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, जो स्पेयर का होता है, सिंपली 4 पाई R1 स्क्वायर। तो इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा माइनस क्यू 4 पाई R1 स्क्वायर। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस। अब आउटर सरफेस की बात करते हैं। देखिए, अगर देखिए इनिशियली क्या था, केवल क्यू चार्ज था पूरे स्पेयर के ऊपर, लेकिन जब हमने प्लस क्यू बीच में रखा तो माइनस क्यू इनर सरफेस पे आ गया है। यदि माइनस क्यू इनर सरफेस पे आ गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस क्यू आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इनर सरफेस पे अगर माइनस क्यू आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस क्यू आउटर सरफेस पे आएगा, क्योंकि जो है नेट चार्ज तो भाई उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेंगे चार्जेस, तो यही माइनस क्यू की वजह से आउटर सरफेस में एक्स्ट्रा प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो आउटर सरफेस में अब टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज है आउटर सरफेस में क्यू, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और आउटर सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई R2 स्क्वायर आउटर जो सरफेस है उसका जो है सरफेस एरिया हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी हो गई Q प्लस Q अपन 4 पाई R स्क्वायर।